हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोगों, प्ले पोकेमोन गो विदाउट स्पूफिंग। तो स्पूफिंग की ज़रूरत क्या है? तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जा रहा हूँ गाइस। मैं ग्राउंड लेवल मतलब समझ रहा हूँ, मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ जिन लोगों के घर के आसपास कुछ भी नहीं है। तो स्पूफिंग वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पॉकी स्टॉप स्पिन करना है शायद, उनको जिम से पॉकी कॉइंस लेने, रेयर रेयर या शाइनी पकड़ने, या फिर लेजेंडरी पोकीमोन्स पकड़ने हैं गाइस। ठीक है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन यही है गाइस, मेरी लाइव स्ट्रीम में या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में गाइस। तो इन पॉइंटों को मैं कवर कर रहा हूँ गाइस। लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी है गाइस, उसके लिए पक्का वेट करना। ये नहीं कि सीधे लास्ट में आकर पहले बोनस पॉइंट सुन लें। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको इन चार चीज़ों के मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ गाइस। पॉकी स्टॉप, पॉकी कॉइन, रेयर पोकीमोन्स और लेजेंडरी पोकीमोन्स, शाइनी भी ले लो इनमें। तो रेयर पोकीमोन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस, आइटम्स में मिलते हैं आइटम्स में। पहले मैं आपको थोड़े आइटम्स दिखा दूँ ताकि आप लोग वीडियो में थोड़े बने रहो, है ना, लालच देना पड़ता है यार। तो यार यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पोशंस हो गए, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपको मिल जाएंगे, लकी एक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इंसेंस नहीं मिलेगा। फास्ट टीम चार टीम कमाने पड़ते हैं, वो बस की नहीं है गाइस अभी, क्योंकि हमारा लेवल कम है। हम लोग का लेवल 20 से नीचे है, तभी तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। जब हमारा लेवल 20 के ऊपर चला जाएगा तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 20 के 30 के ऊपर नहीं पूछते हम लोग ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमें नॉलेज हो जाती है गाइस, ज्ञान बहुत ज़रूरी है गाइस। उसके बाद एलाइट फास्ट, एलाइट चार्ज, ये भी कमाने पड़ते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद रेयर कैंडी, ये भी कमानी पड़ती है। प्रीमियम बैटल पास, ये भी मतलब इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है गाइस। अगर ये जानना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, इंस्टा का लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार पीस, ये भी कमाना पड़ता है गाइस। मिस्टीरियस कंपोनेंट कमाने पड़ते हैं गाइस। पॉकी बॉल्स कम है मेरे पास, कमेंट कर सकते हो आप लोग। भाई ये मॉड्यूल्स देखिए आप एक बार, मैंने एक भी मॉड्यूल ख़रीदा नहीं है लाइफ में, कभी नहीं खरीदा गाइस। ठीक है, आप बेरीज देखिए गाइस, मैंने कभी कोई बेरीज नहीं खरीदी है। पोफिन देख लीजिए गाइस, ख़रीदा नहीं है, मिला है, कैसे मिला वो चीज़ खरीदी है गाइस। ठीक है, स्टोन्स देखिए, ये भी स्टोन्स मुझे मिले हैं गाइस। सबसे रेयर स्टोन दिखाने वाला हूँ गाइस आपको, शायद से उसको देखने वाला आपकी आँखें फूट जाए। तो वो है गाइस अनोवा स्टोन, द वन ऑफ द मोस्ट रेयर स्टोन द पोकेमोन गो। ये स्टोन आपको स्पूफिंग से भी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करना आपके पास कितने अनोवा स्टोन हैं, चाहे झूठ कमेंट कर देना, मुझे पता है मैक्सिमम कमेंट फेक होते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दिलवा सकता हूँ बिना स्पूफिंग के, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो उसमें स्टोन्स हैं वो सब नहीं मिलेंगे आपको। तो गाइस अभी आपको मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, सबसे पहली बात है गाइस, ये सारे रेयर आइटम्स जो होते हैं वो मिलते हैं पॉकी स्टॉप से मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो पॉकी स्टॉप से आपको मैं रेयर आइटम्स दिलवा सकता हूँ, बट उसके लिए आपके घर के पास पॉकी स्टॉप होना चाहिए। अगर आप डेली अपने घर के पास वाले पॉकी स्टॉप, जितने भी पॉकी स्टॉप उनको स्पिन करते हैं, पूरे 7 डेज में अगर आप लगातार कोई पॉकी स्टॉप स्पिन कर रहे हैं ना गाइस, तो वो आपको वीक में एक दिन आपको कोई ना कोई रेयर चीज़ देगा गाइस। ठीक है, 7 डेज डेली स्पिन करो गाइस, आपको रेयर आइटम मिलेगा, पक्का मिलेगा गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जिन लोगों के पास पॉकी स्टॉप नहीं है, उन लोगों के लिए गाइस ट्रिक ये है कि भाई पॉकी स्टॉप का एक अल्टरनेट इस गेम में दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, वो अल्टरनेट जिम भी कह सकते हैं, बट जिम भी नहीं है लोगों के पास। सो गाइस वो अल्टरनेट है गाइस आपका गिफ्ट सेक्शन, आपका फ्रेंडशिप वाला सेक्शन, आपको अपने फ्रेंड्स से गिफ्ट लेने गाइस। वहाँ पर आपको बेरीज मिल जाएंगी, जो कि सिल्वर सिल्वर नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी पाइनएप बेरी। ठीक है, आपको पोशंस मिलेंगे, आपको पॉकी बॉल्स मिलेगी, ये तीन चीज़ गारंटेड मिलती है वहाँ पर, वो आप वहाँ से ले सकते हो गाइस। पॉकी स्टॉप का अल्टरनेट एक ये हो गया। दूसरा अल्टरनेट है गाइस बैटल्स, हम अपने गेम में कई टाइप की बैटल्स कर सकते हैं गाइस। सबसे पहली जो बैटल है, सबसे इजी वाली, वो है ट्रेनिंग बैटल गाइस। दिन में अगर आप पहली बैटल करते हैं ट्रेनिंग वाली, ये वाली ट्रेनिंग वाली, जो नीचे तीन ट्रेनर से अगर आप बैटल करते हैं, तब आपको मिलता है एक
आइटम मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है, सीनो स्टोन भी हो सकता है, कोई भी स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेयर कैंडी भी हो सकती है गाइस। बाकी आपके यहाँ पर रिवॉर्ड सेक्शन है गाइस, तो ये रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसमें एक ये है गाइस, दो मैच जीतने पे एक आइटम मिलता है जो कि आपको पोकेस्टॉप से मिलता है। तीसरा है गाइस, आप अपने फ्रेंड से बैटल करो, आप स्क्रीन को छोटा करोगे ना तो ऊपर आपके सामने वो आएगा, क्या बोलते हैं, गुब्बारा, टीम रॉकेट से लड़ो, वहाँ से भी आपको आइटम मिलते हैं गाइस। उसके बाद आप रेड्स लड़ो, रेड्स में सबसे ज़्यादा आइटम्स रेड्स में मिलते हैं गाइस, सबसे बढ़िया आइटम रेड्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये पॉकी स्टॉक के अल्टरनेट है गाइस, और ये सब आप बिना स्पूफिंग के कर सकते हो, रेड्स भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एक पास चाहिए जो कि आपको मिल जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया पॉकी स्टॉक का अल्टरनेट, ठीक है। फ्रेंड्स की दिक्कत है तो आई बटन चेक कर लेना, आई बटन में एक डेडिकेटेड वीडियो है गाइस जिसमें मैंने क्लियरली बता रखा कि आप फ्रेंड्स कैसे बना सकते हो। ओके गाइस, फटाफट से चलते हैं आगे पॉकी कॉइंस के ऊपर। पॉकी कॉइंस कैसे मिलेंगे, पॉकी कॉइंस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिम। जिम में पोकेमोन रखो, पॉकी कॉइंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों के घर के आसपास जिम नहीं, वो लोग क्या करें। सबसे पहले बात को समझो कि पॉकी कॉइंस की मेन सबसे ज़्यादा इसेंशियल नीड क्या है गाइस, वो गाइस ये है कि हम लोगों को पॉकी कॉइंस से सिर्फ एक चीज़ होती है जो करनी है, वो है स्टोरेज। पॉकी कॉइंस का सबसे मेन यूज़ है स्टोरेज कराना, अपने स्टोरेज को बढ़ाना गाइस, बाकी कोई यूज़ नहीं है पॉकी कॉइंस का, बाकी सारी मतलब शौक है। रिमोट रेड पास खरीदना शौक है गाइस, सब कुछ शौक है, जो कि आपको मिल जाता है बिना पॉकी कॉइंस के भी मिल रहे हैं आजकल। मंडे को डेली रिमोट रेड पास मिल रहा है, ठीक है, अभी तो मिल रहा है, जब बाद में आप वीडियो देखोगे तब पता नहीं और भी तरीके मिल जाएंगे। पॉकी कॉइंस का अपडेट के बारे में एक बात बताता हूँ गाइस, अगर बात करें मई के महीने की गाइस, मई के महीने में एक अपडेट आया था जिसमें कहा था 5 पॉकी कॉइंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल 55 पॉकी कॉइन डेली के। उसके बाद अगस्त में अपडेट आया जिसमें डेली के 20 पॉकी कॉइंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं गाइस, 20 पॉकी कॉइंस विदाउट जिम मिल रहे हैं, ठीक है, बट इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, 4 कंट्रीज़ में मिल रहे हैं गाइस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ताइवान और पता नहीं क्या, तो इन कंट्रीज़ में मिल रहे हैं वो, बाकी कहीं नहीं मिल रहे। ये चल रहा है ट्रायल, ये ट्रायल कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, पता नहीं पोकेमोन का कोई टारगेट होगा कि इस टारगेट तक हम लोग ये ट्रायल ओवर कर देंगे। और तो गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि वो 5 से 20 हुआ है, तो 20 से 30 से 40 हो सकता है, तो हम लोग वेट करेंगे उसका कि जब भी वो पोकेमोन आएगा तब करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, अब भाई देखो जिम और पोकी स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं मानता हूँ, बहुत सारी स्पेशल रिसर्च ऐसी हैं जो कि बिना इनके आगे नहीं बढ़ती हैं, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है यार, आप अपने दोस्तों को अपनी आईडी दे दो कि भाई ये ले एक बार, ये घुमा दिया यार, दोस्त नहीं है तो दोस्त बना लो यार, ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड में यार 500-600 लोग हैं यार, 500-600 में यार अगर तुम दिन भर, अगर वहाँ पर दिन में अगर तुम 3-4 लोगों से बात करोगे तो दोस्ती अच्छी हो जाएगी, फिर डीएम में बात करोगे, डीएम में जब बात करोगे दोस्ती अच्छी होगी, फिर आप अपनी आईडी वाईडी ट्रस्ट ट्रस्ट करके आईडी वाईडी दे रहे तो ये चीज़ें कर सकते हो गाइस। अब आती है बात रेयर पोकेमोन्स पे, रेयर हो गया, शाइनी हो गया, ये कैसे मिलेंगे गाइस। सो गाइस इस इन दोनों टॉपिक में मैंने मस्त वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हो, बट मैं इस वीडियो में इनके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। रेयर, शाइनी, 100% आईवी, ये सब एक ही वे में मिलते हैं गाइस, और वो है लक फैक्टर, ठीक है। रेयर इज डिफरेंट टॉपिक, शाइनी और 100% आईवी लक फैक्टर है गाइस, और रेयर में शाइनी और ये मिल जाए तो मतलब 4 चांद लगना हो गया। तो वो कैसे मिलेगा, वो बहुत सिंपल है गाइस, आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपको गो बैटल खेलनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें गाइस वो करनी है, आपको सारी चीज़ें करनी है गाइस जो कि आप स्पूफिंग के बिना कर सकते हो, सब करो गाइस, दिन भर लड़ो भाई, दिन भर लड़ो, ठीक है, करो पकड़ो, ठीक है, रेड्स करो गाइस, रेड्स आपको मिलवा ही रहे हम लोग। सो गाइस ये अगर आपको इस टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करना है तो आई बटन चेक कर लेना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस डाल दूंगा, वो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फाइनल टॉपिक है गाइस लेजेंडरी पोकेमोन, भैया देखो डेली लाइव स्ट्रीम हो रही है वहाँ पर आओ, लेजेंडरी पोकेमोन आपको दिलवाया जाएगा गाइस, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो भाई कमेंट कर देना भाई लेजेंडरी पोकेमोन नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक रिमोट रेड पास रखना है, एक रिमोट रेड पास,
सारे लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने जरूरी नहीं है। पहली बात गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें बैटल्स में, तो यहाँ बैटल में जाते हैं गाइज, तो यहाँ पर प्रीमियर कप चल रहा है, लेजेंडरी पोकेमॉन की जरूरत ही नहीं है। प्रीमियर कप खेलो ना गाइज। भाई मैं स्पूफ नहीं करता, ठीक है, आप लोगों को पता है मेरे पास ड्रैगनाइट है गाइज, गार्चॉम्प है, रिपीरियर है, लैंडोरस है, गैराडोस है, मेटाग्रोस है, स्नोरलैक्स है, ट्राइनेटर है गाइज, डियाल्गा है, आर्कनाइन है, गीगालिथ है, रिया है, मतलब वो वाली रिया नहीं है, ग्लेशियन रेक्वाज है गाइज। ये सब कैसे आ रहे हैं गाइज, कैसे मिल रहे हैं? बस फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपडेट्स पर ध्यान दो गाइज, सब कुछ मिल जाएगा। हिटरन भी है भैया, शाइनी में भी है, बताओ क्या करें, मतलब छत से कूद जाएं क्या? इतना कुछ है गाइज। बट अगर आप मेरी एक डुओ वाली जो वीडियो में लगाऊंगा आई बटन, वो चेक करना, उस वीडियो में मैंने आई बटन नहीं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ इजी पड़ेगा, उस वीडियो में मैंने एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन यूज़ नहीं किया है। बिना लेजेंडरी पोकेमॉन के लेजेंडरी रेड जीती है गाइज, वो भी डुओ दो लोगों के साथ, कैसे? वो देख लेना एक बार वीडियो गाइज, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो गाइज, लेजेंडरी पोकेमॉन के पीछे इतना मत पड़ो, एक हाथ पकड़ो जो कि मतलब लगता है कि जरूरी है गाइज। अब ये नहीं कि यार मतलब मोल्टर्स चल रहा है तो मतलब मोल्टर्स भरनी है, अब 50,000 मोल्टर्स रखनी है गाइज, क्या करोगे यार? रखनी है तो भैया रेक्वाजा रखो, 5-6 बढ़िया पोकेमॉन है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, पोकेमॉन गो में हर चीज़ रिपीट होती रहती है। आज जो पोकेमॉन आ रहा है रेड्स में, वो पोकेमॉन आगे भी फ्यूचर में आएगा, तो ये मत सोचो कि ये आगे चला गया फिर नहीं आएगा। भाई मैंने पोकेमॉन गो है ना 2020 में खेलना शुरू किया है, मेरे पास म्यूटू भी है, मेरे पास हिटरन भी है, मेरे पास रेक्वाजा भी है, मेरे पास लैंडोरियस भी है, मेरे पास कोवेलियन भी है, और भी बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे। तो वो कैसे हैं गाइज? वो इसीलिए क्योंकि मैं पूरा गेम पंचुअली खेल रहा हूँ गाइज, ठीक है, डेली खेल रहा हूँ, रोज़ खेल रहा हूँ, आपको भी यही करना है। सो गाइज बोनस टिप आपको देता हूँ गाइज, ये टिप थोड़ी मतलब अजीब सी है गाइज, मतलब ऐसा है कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट आस्किंग, आपको सुनने में थोड़ी हैरानी होगी गाइज। भाई लोगों का सवाल पता क्या रहता है, जो लोग नए प्लेयर हैं उनका खासकर, भाई मैं मूव कैसे करूँ? तो भाई उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है भाई, रूम में अगर आप हिल डुल रहे हो ना, तो वो आपके सिर्फ पैर हिलेंगे, इसके सिर्फ पैर हिलेंगे, ये हिलेगा नहीं। अगर आपको इसको यहाँ तक लेके जाना है रोड तक, तो आपको रोड तक एक्चुअल में चल के जाना पड़ेगा भैया, आपको 100-150 मीटर चलोगे तब ये हिलता है। सो गाइज ये डाउट था जो कि क्लियर करना चाहता हूँ गाइज, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो भैया करो गाइज, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि लोग कन्वर्ट हों, क्योंकि भैया देखो क्यों रिस्क ले रहे हो यार, आप एक ऐप यूज़ कर रहे हो पीजी शार्क, ठीक है, वो प्ले स्टोर में नहीं मिलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ गाइस, और आप शायद अपने मम्मी पापा के फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, उस फ़ोन में शायद आपके क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो, या फिर आपका कोई बैंक का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है गाइस, और वो आपसे क्या परमिशन ले रहा है आपको नहीं पता, कोई लीगल सॉफ्टवेयर नहीं है वो, ठीक है, आप क्यों रिस्क ले रहे हो यार? मे बी वो कुछ कर नहीं रहा है, क्या पता वो इन फ्यूचर छुपके से गलती से हल्का सा निकाल ले, मैं बस बोल रहा हूँ, डाउट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो करना है करो, हम तो रोकने वाले नहीं है, हमारा काम बताना है, बता दिया गाइज। चलिए गाइज चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, क्या बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब कर देना गाइज, बाय बाय।